नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। चेन्नई तमिलनाडु के तीन सरकारी अस्पतालों में जनवरी 2019 तक तकरीबन 15 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। इन महिलाओं की मौत खराब खून रक्त चढ़ाए जाने की वजह से हुई। एक प्राथमिक रिपोर्ट में पाया गया कि रक्त को असामान्य तापमान में रखा गया जिसकी वजह से वह खराब हो गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि खराब खून को कुछ डॉक्टरों ने सुरक्षित प्रमाणित कर दिया। वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों ने मैटरनल ऑडिट की। इसके साथ ही उन्होंने धर्मपुरी, होसुर, कृष्णागिरी के सरकारी अस्पतालों की ब्लड बैंक का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि गर्भवती महिलाओं और माओं की मौत का मुख्य कारण खराब खून चढ़ाया जाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया, खून चढ़ाए जाने के बाद महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें हुईं। कुछ मामलों में तो रक्त की मात्रा 50 ml से भी कम थी। स्वास्थ्य सचिव ने दिए कार्रवाई के आदेश। स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी बीला राजेश ने तीन ब्लड बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कृत्य के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनमें डॉक्टर एम चंद्रशेखर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नारायण स्वामी कृष्णागिरी जिला मुख्यालय अस्पताल और होसुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर सुगिंदा के अलावा एक दर्जन स्टाफ नर्सों और टेक्नीशियन शामिल है। लापरवाह डॉक्टरों की छिन सकती है नौकरी। एक खत के जरिए स्वास्थ्य सचिव ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर ए विंजो और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर एन रुकमणी से मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज करने और लापरवाही पर तमिलनाडु सिविल सर्विसेज नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यदि डॉक्टरों और चिकित्सीय सहायकों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियुक्ति मिली थी तो उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है।